बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यह लहर आई नहीं है, यह भेजी गई है। यह सोचने वाली बात है, हमें लगता है कि यह चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही दूसरी लहर को देखा गया है। भारत के आसपास के किसी भी देश में इस लहर का असर नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, किसी भी देश में दूसरी लहर का असर दिखाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता खत्म करने के लिए यह साजिश की गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि विश्व में भारत ने ही चीन को चुनौती दी है और संभव है कि उसने दूसरी लहर का वायरस भारत के लिए ही भेजा हो। उन्होंने कहा है कि देश भर में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और प्रधानमंत्री ने भी सभी सुविधाओं के लिए दुनिया भर से ऑक्सीजन मंगवाई है और देश की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को इस कार्य में लगा दिया था। शुरुआत में 5 से 6 दिन ऑक्सीजन के लिए जरूर देश के नागरिक परेशान हुए, लेकिन बाद में आपूर्ति सही हो गई। बता देता हूं, अभी जो कोविड का दूसरी लहर आई है, यह लहर आई है कि भेजी गई है, ये एक चर्चा का विषय, क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। हमें तो लगता है कि चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहां नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो ऐसा लगता है कि चाइना का वायरल वार है भारत को परेशान करने का, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई तो मोदी जी ने जो मेहनत की है, जो ऑक्सीजन मुहैया कराई है सारे देश को, आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया भर से ऑक्सीजन मंगाई, जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों को लगा दिया और भर भर के टैंकर, जहाज से, हवाई जहाज से आए और ट्रेन से भी रोज देश के एक स्थान से दूसरे स्थान ऑक्सीजन जा रही। शुरू के 5-6 दिन जरूर परेशानी हुई, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि आवश्यकता कितनी लगेगी और इस सेकंड लहर का प्रभाव कितना समाज के अंदर होगा, ये पता नहीं था। पर चाइना का जो वार है, वायरल वार, ये भारत पे हुआ, ऐसा मेरा मानना। और ऐसे समय में हमको देश के लिए खड़े हो जाना चाहिए, सबको। हम पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, हम देश के लिए काम कर रहे। हम जब मशीन लेके जाएंगे तो किसी जाति, धर्म, पार्टी, कोई कांग्रेस से भी बीमार हो तो उसको भी देना है हमको। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। मुझे एक कांग्रेसी का फोन आया कि हमको दोगे मशीन, में जितनी चाहिए उतनी ले जा और मंगा लूंगा मैं। भाई समाज को आज हमारी आवश्यकता है। समाज में कोई भी व्यक्ति बीमार है, दीन है, दुखी है, तो उसकी मदद करना चाहिए, हमारी जवाबदारी। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हैसियत से हमारी जवाबदारी। और हमको बहुत दिया है देश ने, इस शहर ने बहुत दिया है। इस शहर के लिए अपनी जान भी दे दे तो कम है, क्योंकि बहुत दिया शहर ने। क्या प्रतिष्ठा दी, मान दिए, सब कुछ दिया। इसी समय में शहर के लिए जो करना है वो करना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि अनलिमिटेड मशीन, आपको जितनी चाहिए उतनी मशीन मंगा दूंगा मैं, कोई तकलीफ नहीं। तो अभी ये शायद आज 150 आई है, कल फिर 150 आ जाएगी, 200 आई है और आ जाएगी। तो और भी आवश्यकता होगी तो मशीन का ढेर लगा देंगे, और भी जिसकी किसकी आवश्यकता होगी तो कर देंगे। आज ही शंकर जी ने फंगस के लिए इंजेक्शन की बैठक ली, तो मैंने कमिश्नर का फोन आया कि इसमें हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कहा 10, 20, 25, 50 लाख जितनी चाहिए आप मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा शहर से। शहर में देने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि शहर में कोई कमी नहीं। एक किसी को फोन करने की जरूरत है तो वो पैसे देता है समाज के लिए। तो इसलिए हमारा शहर बहुत बुलंद शहर है, अच्छा शहर है। इसकी रखवाली करना, इनके लोगों की सेवा करना, ये हमारा धर्म है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शहर ने बहुत कुछ दिया है। हम सब की जवाबदारी है कि यहाँ के नागरिकों की सेवा करें, और इसीलिए ये मशीनों के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएं। वे लोग जो तकलीफ में हैं, वे लोग जो जिनको आज आवश्यकता है उनके लिए ये बड़ा विचित्र नेता कैलाश विजयवर्गीय। अरे भारत के बच्चे बच्चों को नहीं, विश्व के
बच्चे बच्चे को पता है कि कोरोना कहाँ से आया, चाइना से आया। ये तो कोई नई बात में समय कोई नया रहस्य खोल रहा होगा कल तो हर बच्चे बच्चे को पता है कि चाइना से ये कोरोना आया है, जिसके अब विश्व में अलग अलग वेरिएंट ही बोलेंगे इनको, फैल रहे हैं। अब ये ब्लैक फंगस क्या है, है ना, येलो फंगस आ गया, व्हाइट फंगस आ गया, ये अलग अलग वेरिएंट है। बच्चे जैसी बात कर दी केला ने, चाइना से आया एवरीबडी नोज, विश्व का हर आदमी जानता है। अब वो चाहता क्या बोलना मैं नहीं समझ, प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का ये। ओहो, प्रधानमंत्री की छवि, गूंगा आदमी जो मनमोहन सिंह पे टिप्पणी करता था कि गूंगा है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, अरे तुम खुद नरेंद्र मोदी गूंगे हो, कैलाश भाई सुन ले तेरा प्रधानमंत्री गूंगा है, इसलिए कि इतने लोग मर गए, लाखों लोग, एक शब्द कोरोना के ऊपर नहीं निकला। बट डिसिप्लिन रखिए, आप मास्क लगाइए और दूरी रखिए। अबे ये तो बच्चे बच्चे जानते, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, हैं? गंगा में हजारों लाशें तैरती, उन्हें भी माँ गंगा ने बुलाया। आज आपने ज्ञापन, आज हमने ज्ञापन, हम पे कल मुकदमा लगाया इंदौर की पुलिस ने, हम दया याचिका, दया की भीख मांगने नहीं है, हमें और मुकदमे लगा दो। हम ये नहीं बोल रहे हैं, जो आते हैं ना डेलीगेशन की, मुकदमा हटा लीजिए हम पे से, हम उसके लिए नहीं। हमने 28 मंडलों में कमलनाथ जी के पुतले जलाए गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, हम पे और मुकदमा लादना लाद दो, लेकिन संविधान की धाराएं प्रधानमंत्री के लिए भी वही और सज्जन वर्मा के लिए भी वही है, जिस धारा पे हम पे मुकदमा दर्ज किया, 28 मंडलों के भाजपा के कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यदि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो राजनीति क्या होती है, समाज सेवा क्या होती है और कैसे निपटना है सड़कों पे, वो हमको आता हो करके दिखा। नहीं देखिए, ये जो कैलाश जैसे लोग हैं ना, ये बात का जो बचंगड़ा बनाते, बात वो है, कमलनाथ जी ने कहा था उमंग सिंगार का जब मामला हुआ, कमलनाथ जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास ओरिजिनल पेन ड्राइव थी हनी ट्रैप की, मैंने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की कि मेरा प्रदेश हनी ट्रैप जैसे कांड के लिए पहचाना जाए। मैं चाहता तो उस समय तमाम सारे चेहरे काले हो जाते, लेकिन मैं अपने प्रदेश की गरिमा को बचाना चाहता था। एक उदाहरण उन्होंने दिया, कोई जिन बिन बाहर नहीं निकला। वही कैलाश की बात आ गई, कैलाश बोल रहा था कि चाइना से आया, अरे सुप्रीम कोर्ट में खुद तुम्हारी सरकार एडमिट कर रही है कि इंडियन वेरिएंट है ये तो आ गए, शपथ पत्र आ गए सबके पास आ गए। उसी बात पे विवेक तनखा जी ने कहा कि इंडियन वेरिएंट, देखो हमारा देश बदनाम हो रहा है, सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका, यहाँ आप हमारे इंडियंस को पास में बैठाना पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारा ड्राइवर है भारत का। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।